नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं पूजा। ग्वालियर में व्यापम के आरोपी रहे डॉक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोट कर हत्या कर दी। मृतका नर्सिंग स्टूडेंट थी और उसने किसी और लड़की के साथ डॉक्टर की अश्लील चैट देख ली थी, जिसके बाद हंगामा करने पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। मामले को सुसाइड बताने के लिए आरोपी डॉक्टर ने शव को चादर के जरिए पंखे पर लटका दिया। घटना शुक्रवार देर रात 1 बजे कुम्हारपुरा थाटीपुर कुबेर आश्रम के पीछे की है। पुलिस को शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लग रहा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच में मामला साफ हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड 3 दिन पहले ही आरोपी डॉक्टर के घर रहने आई थी। थाटीपुर पुलिस के मुताबिक देर रात सूचना मिली थी कि कुबेर आश्रम के पीछे उत्तर प्रदेश निवासी सोनम यादव ने बॉयफ्रेंड संजीव शर्मा के फ्लैट में फांसी लगा ली है। युवती के शव की जांच में चेहरे पे चोट के निशान थे, कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा था। शुरुआती जांच में ही मामला खुदकुशी का कम और हत्या का ज्यादा लग रहा था। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतका के बॉयफ्रेंड संजीव शर्मा को थाने ले आई, जहां वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। सख्ती से पूछताछ पर सच बताते हुए उसने कहा कि उसने ही हत्या की है और लाश को फांसी के फंदे पर टांग दिया। संजीव ने पुलिस को यह भी बताया कि वो डॉक्टर है और पार्टनरशिप में रुद्राक्ष हॉस्पिटल का संचालन करता है। इसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने वाली नर्सिंग स्टूडेंट सोनम से उसकी दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोनम उसके घर पर रहने ही आ गई थी। शुक्रवार रात को सोनम ने उसके मोबाइल में एक अन्य लड़की के साथ आपत्तिजनक बातचीत के मैसेज देख लिए थे, जिस पर हंगामा करते हुए उसने झगड़ा किया, जिसके बाद उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया और मौत हो गई। वहीं 2 घंटे के बाद उसने फांसी पर शव को लटका कर खुदकुशी का रूप देना चाहा पर पकड़ा गया। वहीं प्रेमिका की हत्या के आरोप में पकड़ा गया डॉक्टर संजीव शर्मा व्यापम कांड का भी आरोपी रह चुका है। उस पर सॉल्वर बिठाकर एडमिशन लेने का आरोप था। पुलिस इस संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। मामले में SP राजेश दंडौतिया ने बताया कि घटनास्थल की परिस्थितियां संदिग्ध होने पर एक्सपर्ट से जांच कराई गई, जिसके बाद हत्या की पुष्टि हुई है। दोनों में कुछ शाम को कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद वो आदमी जैसा उसने बताया वो बाहर चला गया और जब वापस आके देखा तो ये फंदे से लटकी हुई थी। आज के लिए FSL अधिकारी मौके पे हैं, कल सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि मामला संदिग्ध है, हमने जो कॉलर है जिसकी संदिग्ध भूमिका है उसको थाने में पूछताछ के लिए बैठा रहे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़।